आज का जो साथियों विषय है, वह विषय आपके सामने है। आपने विषय को क्लिक करके ही आप इस वीडियो पे लॉगिन करे होंगे, इस वीडियो के अंदर पहुंचे होंगे। वह या समय बाल सफ़ेद होना। यह वीडियो समाज की, मैं तो उसको बुराई भी कहूँगा, समाज की एक बुराई है, लेकिन फिर भी उसको एडजस्ट करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत दिनों से सवाल उठ रहा था, क्योंकि आज समाज चेहरा ज़्यादा देखता है। हम इस तरह के वीडियो डालते हैं तो उनमें ज़्यादा शेयर्स होते हैं, ज़्यादा लाइक्स होते हैं, ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, और गंभीर वीडियो डालते हैं तो उसके व्यूज़ थोड़े कम होते हैं। तो इससे ये ज़रूर पता लगता है कि समाज कैसे रंग साफ हो जाए, कैसे आप चमक की दिखने लगे, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करता है। तो हम आपको बताएंगे असमय सफ़ेद हुए बालों को काला करने के विषय में दवाएं, क्योंकि बहुत वक्त से डिमांड भी उठ रही थी और यह बहुत ज़्यादा हो भी रहा है। आजकल का जो तनाव की स्थिति है उसमें असमय सफ़ेद हुए बाल बहुत हो रहे हैं, ज़रा से बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। हम आपको बताएंगे इसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपको इस समस्या से निकाल लेंगी। आजकल इतना तनाव है साथियों कि मैंने भी जीवन में बहुत तनाव झेला है, बहुत संघर्ष करा है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हमारे बाल भी सफ़ेद हुए हैं। अब दवा से थोड़ा ये रुके हैं। इसको स्ट्रेस के कारण डीऑक्सीजनेशन कहते हैं। जब हो जाता है तब यह बाल इस तरह तनाव से सफ़ेद होते हैं। हम आपको बताएंगे इन सबको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि बाल सफ़ेद बाल वास्तव में होते क्या हैं। सफ़ेद बाल साथियों हम आप सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि एक सिलसिला इस चैनल पे हर वीडियो में चल रहा है तो हमने कहा इस टॉपिक को इंक्लूड करना ज़रूरी है। जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं उम्र से पहले, आप 30 साल में बाल, 20 साल में बालों को अपने सफ़ेद पाते हैं, तो वास्तव में वक्त से पहले हुए सफ़ेद बाल हैं, प्री मैच्योर ग्रेइंग है। इसके साथियों सिम्टम्स की बात कर लें तो सिम्टम्स जो है वह आप सबके सामने, आप सब जानते हैं बाल सफ़ेद हैं तो वही इसका सबसे बड़ा सिम्टम है कि बाल अगर सफ़ेद दिख रहे हैं। कारणों की बात कर लें साथियों तो कारण इसका जो होता है वह होता है मिलेनिन पिगमेंट का बालों में कम बनना। अगर वह स्थिति होती है तो वह ही असमय सफ़ेद हुए बालों की स्थिति होती है। इसका कॉज साथियों इम्पॉर्टेंट है। इसका 4-5 कारण होते हैं असमय बाल सफ़ेद होने के। उसका सबसे बड़ा कारण होता है विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई या बायोटिन की डेफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी होना। तो अगर आपके पास इन विटामिन डी, B12 की इनसफिशिएंसी है तो आपके बाल सफ़ेद होने की बहुत संभावना है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वह जो है आपके मिलानिन को बनाने में हेल्प करते हैं। और जब आपका मिलानिन प्रोटीन कम बनता है तभी आपके बाल सफ़ेद होते हैं। तो आप विटामिन डी, B12 इनकी मात्रा, बायोटिन, विटामिन ई इनकी मात्रा, प्रेजेंट होने वाले सब्सटेंसेस का आप सेवन बढ़ाएं तो आपके असमय बाल सफ़ेद होना ख़त्म होंगे। दूसरा कारण जो कि हमने आपको बताया शायद हमको भी है, वह स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब स्ट्रेस होता है तो जो है वह आपके फ्री रेडिकल्स ब्रेन में जो है वह रहते हैं और वह आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो यह जो स्ट्रेस है यह एक कारण है। फिर जेनेटिक कारण होता है समय बाल सफ़ेद होने का, हार्मोनल कारण होता है और मेडिकेशंस कभी कभी कारण होते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण जो साथियों असमय बाल सफ़ेद होने का है वह स्मोकिंग। स्मोक करने वाले लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ दें। यह वो कारण हो गए जो आपके बालों को असमय सफ़ेद करते हैं, यानी आपके बालों में मिलानिन का फॉर्मेशन पिगमेंट का कम करते हैं, और जब मिलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन कम होता है तो आपके बाल सफ़ेद होते हैं। लेकिन अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। हम आपको बताएंगे 10 ऐसी कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो कि आपके वक्त से पहले हुए सफ़ेद बालों को पुनः काला करने में मदद करेंगी या कर देंगी। लेकिन साथियों हम कहेंगे
जो ये शरीर के ऊपर मैनिफेस्टेशन आते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर की कहीं ना कहीं तकलीफें होती हैं। तो कोई भी दवा लें, हमेशा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लें, ऐसे ना लें। बताते हैं साथियों आपको, असमय सफ़ेद हुए बालों को काला करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। वो दवाएँ जो काम करने में थोड़ा वक्त लेंगी, लेकिन वो दवाएँ बहुत अच्छी हैं, आज नहीं कल वो काम करेंगी। आप इन दवाओं को अपने पे लेकर ठीक होने का, अपने मनचाहा बालों का रंग पाने का, जो कि आमतौर पे काला होता है, उसको आप पाने की प्रयास कर सकते हैं। साथियों, नंबर एक दवा होम्योपैथी में जो आपके असमय काले हुए सफ़ेद हुए बालों को काला करने की है, वह है थायरोडिन। आप थायरोडिन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 6 महीने तक ले लें, आप देखेंगे कि आपके जो असमय सफ़ेद होते बाल हैं वह धीरे धीरे काले होने लगेंगे और आप अपने को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करने लगेंगे। तो मैं फिर कहूँगा, अगर आपके असमय वक्त से पहले बाल, उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो आप उनको काले करने का प्रयास थायरोडिन दवा लेकर कर सकते हैं। इसको 30 पावर में 3 बार लें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर साथियों, आमतौर पर सफ़ेद बाल उन लोगों में भी देखे जाते हैं जो वक्त तक दुखी रहे हों, जिनको एक वक्त का ऐसा बोझ पड़ा हो कि वो टूट रहे हों, वो थक गए हों दिमागी तौर पे। तो अगर यह स्थिति किसी की है कि वो एक दुखों से घिरा रहा है बहुत वक्त तक, कहते रहे कि बचपन में बड़ा संघर्ष करा और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बाल सफ़ेद हो गए, कुछ ऐसे हादसे हो गए जो आदमी अपनी चिंता में रहा, अपने जीवन में परेशान रहा और उसके बाल सफ़ेद हो गए, तो अगर वह दुख की अनुभूत हो रही है और उसके कारण आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एसिड फॉस्फोरिकम। आप एसिडम फॉस्फोरिकम 30 पावर में 2-2 बूंद 3 बार ले लें, उस स्थिति में कि जब आपके असमय बाल सफ़ेद हो रहे हों, आपके जीवन में दुख बहुत रहे हों, आपको थकान बहुत महसूस होती हो और आप थक गए, तो यह दवा आपको उस थकान से भी निकाल देगी, यह दवा आपको उस दुख से भी निकाल देगी जो आप दिमागी रूप से झेल रहे हैं, और वक्त के साथ यह दवा आपके असमय सफ़ेद हुए बालों को भी काला कर देगी। तो साथियों, एसिड फॉस बहुत अच्छी दवा है, यह डायबिटीज़ की भी बहुत अच्छी दवा है, ब्लड शुगर को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती है और उसके कारण होने वाले वाइट हेयर और वीकनेस दोनों को ख़त्म करती है। फिर साथियों, एक स्थिति आती है जब आपके स्कैल्प में बहुत ड्राइनेस हो गई है, बहुत रूखापन आ गया है और आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो अगर यह सिम्टम साथियों आप में हो कि आपके स्कैल्प बहुत ड्राई हो गया हो और आपके सर के बाल सफ़ेद हो रहे हों, तो उनको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है पिलोकार्पस। आप पिलोकार्पस 200 पावर में यानी 200 पावर में 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो स्कैल्प की ड्राइनेस है वह भी ख़त्म हो गई और आपके असमय सफ़ेद हुए बाल भी काले होने लगे। फिर साथियों, एक स्थिति आती है असमय सफ़ेद हुए बालों में कि जो है वह स्पॉट्स में वाइट हो रहे हैं, जगह जगह थोड़े थोड़े से स्पॉट्स आ रहे हैं और इन स्पॉट्स में वाइट हो रहे हैं। तो अगर यह स्थिति साथियों है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 पावर में 2-2 बूंद 3 दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपके स्पॉट्स में बाल सफ़ेद हो रहे हों, आपका पेट खराब रहता हो, आपके गैस बहुत बनती हो लोअर एब्डोमेन में, उसमें गुड़गुड़ाहट होती हो, आपके बाल बहुत झड़ रहे हों, आपको मीठी चीज़ें खाना और गर्म चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद हो, ये सारी स्थितियों में आपकी दवा लाइकोपोडियम है। इन सारी बताई गई समस्याओं से यह दवा आपको निकाल देगी और आपके असमय सफ़ेद हुए बालों को काला करने में मदद करेगी। फिर साथियों, बहुत अच्छी दवा आती है होम्योपैथी में जो हेयर फॉल में भी बहुत हेल्प करती है और असमय सफ़ेद हुए बालों को भी काला करने में बहुत मदद करती है, वह है विस्पेडिन। आपके पास कोई भी कंडीशन हो जिसमें बाल झड़ रहे हों या बाल असमय सफ़ेद हो रहे हों, आप विस्पेडिन 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ना भी रुक गए और आपके असमय सफ़ेद हुए बाल भी काले होने लगे। फिर साथियों, एक स्थिति आती है कि आपके बहुत वीकनेस रही और आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों, तो अगर कमज़ोरी और खून की कमी के रहते हुए या उसके कारण आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसको ठीक करने की, आपके खून की कमी को दूर करने की, आपकी वीकनेस को दूर करने की बहुत कारगर दवा है नेट्रम यूरेटिकम। आप नेट्रम यूर 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली उस स्थिति में ले लें कि जब आपको कमजोरी बहुत आ रही हो
असमय आपके बाल सफेद हो रहे हों और आपको नमकीन चीजें खाना बहुत पसंद हो और आप इरिटेबल हों, गुस्से वाले हों, तो अगर यह स्थितियां हैं तो नेट्रोम्यूर आपकी टगर द चॉइस है। इसका 1000 पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली लेके आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कुछ मरीजों में कि उनके बाल ऐसे सफ़ेद हो जाते हैं, उनको बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं सारे बाल, और वह एहसास होता है। अगर यह स्थिति आप में है कि आपके बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं, बहुत घने हैं लेकिन बिल्कुल सफ़ेद हैं, तो उस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है, यानी कि असमय सफ़ेद हुए बालों को काला करने की दवा है, और वहाँ है आर्सेनिकम हाइड्रिस्टिस। आप आर्सेनिकम हाइड्रिस्टिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो जो आपके या बर्फ़ की तरह सफ़ेद हुए घने बाल हैं यह पुनः काले हो जाएंगे और आप अपने को समाज में अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एक स्थिति आती है साथियों आपके असमय बाल सफ़ेद होने की स्थिति में कि आपके बाल भी बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हों और वह झड़ भी बहुत तेज़ी से रहे हों और साथ में आपके खुश्की बहुत हो, तो अगर यह तीनों कंपोनेंट आपके साथ समस्याएं आपके साथ हैं, आपके बाल असमय सफ़ेद भी हो रहे हों, उसमें खुश्की भी बहुत हो, डैंड्रफ भी बहुत हो, आवाज झड़ भी बहुत रहे हों, तो उन तीनों चीज़ों को ठीक करने की एक कारगर दवा होम्योपैथी में है, वह है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली यानी हफ्ते में उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपके असमय बाल सफ़ेद हो रहे हों, बालों में खुश्की बहुत हो, बाल झड़ बहुत रहे हों। फास्फोरस के मरीज को आमतौर पर ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है और उसको शाम के वक्त उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, तो अगर यह कॉमन सिम्टम आप में है तो आपके शरीर की जितनी भी तकलीफ़ें हैं उनको यह एक दवा ठीक कर देगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। फास्फोरस के मरीज के शरीर में जलन भी बहुत होती है कभी कभी, यह भी एक सिम्टम हो सकता है, और कई मरीजों के चेहरे पर झाई भी होती है, तो इन सब चीज़ों की फास्फोरस बहुत अच्छी दवा है, इसको लेकर आप अपने असमय सफ़ेद हुए बालों को काला कर सकते हैं। फिर एक साथियों बहुत कॉमन स्थिति आती है कि किसी को थायराइड है उसके बाल सफ़ेद हो गए, तो अगर यह सिम्टम आप में हो कि आपको हाइपोथायरायडिज्म हो या हाइपरथायरायडिज्म हो और आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों, अगर यह स्थिति हो साथियों तो आपके थायराइड को भी कंट्रोल और ठीक करने की और असमय सफ़ेद हुए बाल को भी काला करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है थायरोडिनम। अगर आपको हाइपरथायरायडिज्म है यानी कि पतला दुबला होने वाला थायराइड है और आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में है थायरोडिनम 6x। इसका आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके असमय सफ़ेद हुए बाल काले होने लगे। और अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है यानी कि मोटा होने वाला थायराइड है और आपके असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको काला करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और वह है थायरोडिनम 3x। हाइपर में हमने 6x बताया था, हाइपो में जो पोटेंसी है वह 3x रखनी है, तो अगर आप थायरोडिनम 3x लेंगे और आपको हाइपोथायरायडिज्म है तो हाइपोथायरायडिज्म भी आपका ठीक होगा और असमय सफ़ेद हुए बाल भी इस दवा के इस्तेमाल से काले होंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है असमय बाल सफ़ेद होने की स्थिति में कि आपका जो एब्जॉर्प्शन है आँतों में खाने का, जो आप खा रहे हैं वो आपके आँतों में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उसके कारण आपके शरीर में पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, तो अगर यह स्थिति आप में हो कि आपका इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा ना हो, डाइजेशन के डीरेंजमेंट हो और आपको उससे कमज़ोर हो गए हों, वीक हो गए हों, वीक लीन थीन एंड लीन हो गए हों, लीन हो गए हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सीपिया। सीपिया खास तौर से महिलाओं में बहुत कारगर है उस स्थिति में कि जब महिलाएं की कदकाठी बहुत दुबली पतली हो, उनको रोना बहुत जल्दी आता हो, उनके बॉडी में सही से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ना हो रहा हो जिससे वो बहुत वीक हो गई हों और इन कारणों से उनके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हों, तो अगर यह सिम्टम आप में हो तो सीपिया आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसको आप 1 mg पावर की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली यानी हफ्ते में या फिर सीपिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने असमय सफ़ेद हुए बालों को काला कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है खासतौर से बच्चों में होती है कि उनके सर पे इरप्शंस होते हैं,
इरप्शंस होते हैं और इरप्शंस में जो है बस पानी निकलता है चिपचिपा, उसके बाल चिपक जाते हैं और वह बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके सर के ऊपर इरप्शंस हों जिससे कि चिपचिपा पानी आ रहा हो और उससे बाल चिपक रहे हैं और बाल सारे सफ़ेद हुए जा रहे हों, उस स्थिति को ठीक करने की भी होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है विनका माइनर। आप विनका माइनर 6 CH पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके बच्चे का स्कैल्प बिल्कुल क्लियर हो गया, क्लीन हो गया, सारे इरप्शंस ख़त्म हो गए और असमय सफ़ेद हुए बाल भी काले हो गए। ये कुछ दवाएं थी साथियों आपके असमय सफ़ेद हुए बालों को काला करने के विषय में। मैं आपसे फिर कहूँगा साथियों, विनती करूँगा कि कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, क्योंकि हर दवा के अपने सिम्टम होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि हाइपोथायरॉइडिज्म है तो थायरॉइडिनम 3x लेनी है और हाइपरथायरॉइडिज्म है तो थायरॉइडिनम 6x लेनी है, पोटेंसी बदल गई। इसलिए इतना नाजुक चीज़ है होम्योपैथी, तो इसलिए आप किसी डॉक्टर से पूछ के ही दवा लीजिएगा, या अपने मन से हमारे या कोई भी वीडियो देख के दवा ना लीजिएगा। अगर साथियों आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो आप अपने नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, हमें रेलिवेंट जो सवाल होंगे, जो जवाब देने लायक सवाल होंगे, उनको जवाब देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। थोड़ा सा वक्त हो सकता है लेकिन आपके पास जवाब आएगा। या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस स्थिति में भी आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर साथियों आपका यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और उनसे सब्सक्राइब कराइएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले हमारा वीडियो सबसे पहले प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।